please start clapping again. Give it up for Suhail. ओह सर थैंक यू, आप मेरे स्टेज पे जूता रख के बैठे थे तो ठीक है. ओ मेरी गांड फट रही अभी. नहीं मैंने इतने सारे भरे लोग कभी नहीं देखे 1 BHK में. तो ये बेस्ट वे कॉमेडी देखने का, ये काफ़ी एक्सक्लूसिव है क्योंकि यहाँ पे अगर तुम लोगों को कोई भी एक पसंद नहीं आया तुम लोग कभी भी उठ के मार सकते हो. आप बहुत ज़्यादा जोर से हंस रहे हो, मुझे डर लग रहा है. मेरे एक के टाइम पे आप चिल्ला दो मैं डर जाऊँगा, मानने की जरूरत नहीं. और फ्रंट टू रोज तुम लोग को ज़्यादा पसंद नहीं आना तुम लोग थूक भी सकते हो. स्टेज तक आ जाएगा ये. तुम लोग वो बड़े ऑडिटोरियम्स और थिएटर्स में नहीं कर सकते थे, वहाँ पे तुम लोगों को एक पसंद नहीं है. मैम आप थूकने की तैयारी कर रहे हो. और मेरा एक दोस्त है वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन है, तो मुझे आके बताते रहता है कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया. तो थोड़े दिन पहले के बोलता है वो इलॉन मस्क ने ना ड्राइवरलेस कार बनाई है, मतलब अभी कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं. मतलब चूतिया तूने टार्जन द वंडर कार देखी है? वो हम लोग ने 2004 में बनाई थी और वो भी अजय देवगन को लेके. वो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था, मतलब हम लोग ने उस टाइम पर अजय देवगन को कास्ट कर लिया था, उस टाइम सोचा नहीं था. फिर उसको स्पोर्ट्स कार में बैठा, बोला नहीं यार इससे अच्छा इसकी आत्मा से गाड़ी चलवा लेते. ये साला रोज इतनी अच्छी गाड़ी में गुटखा आके थूकेगा. तो तुम लोग हंस रहे हो, मतलब तुम लोग ने देखी है ना मूवी? नहीं, नॉर्मली लोग एडमिट नहीं करते कि हमने नहीं देखी टार्जन. तो मूवी देखी होगी तो मूवी के स्टार्ट में अजय देवगन मर जाता है, वो स्क्रिप्ट में नहीं था. वो रोज सेट पे आके गुटखा थूक रहा था, उन लोग बोले मारो साले को, इसकी फीस या तो साफ कराने में लग रहा है. फिर उसका बेटा रहता है मूवी में और वो बोलता है मैं अपने बाप का सपना पूरा करूँगा, उसमें जो कार डिज़ाइन की मैं पूरी बनाऊँगा. और वो स्पोर्ट्स कार बना भी लेते हैं. बस एक लॉजिकल फ्लॉ है, उसके पास खुद की कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं है. पर वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ जाते, वो स्पोर्ट्स कार बना के रखते फिर सोने चले जाते और कार जाके मर्डर करके आ जाती. ये खाली फर्स्ट हाफ है, अभी बस मूवी स्टार्ट हुई है. फिर सेकेंड हाफ में पुलिस वाले आते हैं, बोले सर आपकी कार मर्डर कर रही है संभालो उसको. बोलते मैं अभी कुछ करता हूँ. फिर वो जाते हैं और कार को जाके जंजीर से बांध के रख देते क्योंकि कॉलेज तो गया नहीं चूतिया. तो उसे पता नहीं है ना कार में 700 हॉर्स पावर, मतलब कार सच में घोड़ा नहीं है. उसको बांध के नहीं रखना है, लॉक लगाना कहीं नहीं जाएगी. वो कार को जंजीर से बांध के रख देता है, कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आ जाती. दी एंड. ये 3 घंटे की मूवी, मैंने तुम लोगों को 3 मिनट में स्टोरी सुनाई है. मतलब तुम लोग समझ रहे हो ये स्टोरी किसी ने किसी ऑफिस में आके पिच की थी और उन लोग ने बोला हाँ ठीक है बना दो, लोग देख ही लेंगे. और तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हो, इस रूम में सबने वो मूवी देखी. ये मूवी का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिले, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, वो भी आयशा टाकिया को. मतलब मूवी इतनी गंदी थी, उन लोग बोले यार क्या एक्टिंग कर रही है बंदी, इसका अवार्ड देके देखते क्या पता अच्छी एक्टिंग करने लगे. और ये सारे जोक्स का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या? मेरे को ये सारे जोक्स लिखने के लिए मूवी दोबारा देखनी पड़ी. वो कोई मत करना. और ये तो जोक भी नहीं है, फैक्ट है. टार्जन जो है ना वो एक रियल कार थी, उन लोगों ने उस कार के प्रमोशन के लिए मूवी बनाई थी. फिर मूवी रिलीज हुई, मूवी ने इतना दिया, उन लोगों ने कार कभी लॉन्च ही नहीं की.
तो मेरा दोस्त वापस आया कर बोलता है, वही इलॉन मस्क पता है अभी उड़ने वाली कार बना रहा है। लचूती, तूने फरारी की सवारी देखी है? थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय। मेरा एक दोस्त है, वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मुझे आके बताते रहता है कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया। तो थोड़े दिन पहले आके बोलता है, वो इलॉन मस्क ने ना ड्राइवरलेस कार बनाई है, मतलब अभी कार चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। लचूती है, तूने टार्जन द वंडर कार देखी है? वो हम लोग ने 2004 में बनाई थी, और वो भी अजय देवगन को लेके, वो ज़्यादा बड़ा फीट था, मतलब वो लोग ने डायरेक्ट अजय देवगन को कास्ट कर लिया था, कुछ सोचा नहीं था उस टाइम पे। फिर उसको स्पोर्ट्स कार में बैठाया, बोला नहीं यार, इससे अच्छा इसकी आत्मा से गाड़ी चलवा लेते। इतनी अच्छी गाड़ी में चूतिया रोज गुटका आगे थूक रहा है। अब तो लोग सबने मूवी देखी है ना, क्या इतनी गंदी भी नहीं थी कि एडमिट नहीं कर रहे। तो तुमने देखी है तो मूवी के शुरू में अजय देवगन मर जाते हैं, वो स्क्रिप्ट में नहीं था, बस रोज सेट पे आके गुटखा थूक रहा था, उन्होंने बोला मारो साले को। तो उसके बाद उसका बेटा रहता है मूवी में, बोलता है मैं अपने बाप का सपना पूरा करूँगा, उसने जो कार डिज़ाइन की मैं कार पूरी बनाऊँगा, वो कार बना भी लेता है, बस एक लॉजिकल फ्लॉ है, उसके पास खुद की कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे नहीं है। पर वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ गया था। वो स्पोर्ट्स कार बना के रखता है, फिर सोने चले जाते हैं, और स्पोर्ट्स कार जाके मर्डर करके आ जाती है। ये खाली फर्स्ट हाफ है, अभी मूवी स्टार्ट हुई है बस। फिर सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, उसमें पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले आके बोलते हैं सर आप अपनी कार संभालो, मर्डर कर रही है वो। तो वो कार को जंजीर से बांध के रख देता है, क्योंकि कॉलेज के पैसे थे नहीं, कॉलेज तो गया नहीं चूतिया। तो उसे पता नहीं है ना कार में 700 हॉर्स पावर, मतलब कार सच में घोड़ा नहीं है, उसे बांध के नहीं रखना, लॉक लगा के रखना, कहीं नहीं जाएगी। वो जंजीर से बांध के कार को रख देता है, कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आया थी। दी एंड। ये 3 घंटे की मूवी है, मैंने तुम लोग को 3 मिनट में स्टोरी सुनाई है पूरी, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ये स्टोरी किसी ने किसी ऑफिस में आके पिच की थी, और उन्होंने बोला हाँ ठीक है बना दो, लोग देख ही लेंगे। और देख रहे हो यहाँ पे 70 लोग बैठे, सबने देखी। इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या, ये मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, वो भी आयशा टाकिया को, मतलब मूवी इतनी गंदी थी, उन लोग बोले यार क्या एक्टिंग कर रही है बंदी, इसको अवार्ड देना चाहिए। पर ये सारे जोक्स का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या, मेरे को ये सारे जोक्स लिखने के लिए मूवी दोबारा देखनी पड़ी, अब वो कोई मत करना कर जाके। गाइस आई एम गोइंग टू कॉल ऑन योर नेक्स्ट एक्ट, ये थोड़ा लेट हो गया था बिकॉज़ ही इज हियर गोइंग टू verify his documents, okay? So everybody start clapping. Give it up for Mohammad Sohail, ladies and gentlemen. मेरा एक दोस्त है, वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन है, तो मुझे आके बताते रहता है कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया। तो थोड़े दिन पहले आके बोलता है, वो इलॉन मस्क ने ना ड्राइवरलेस कार बनाई है, मतलब ये कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मतलब चूती है, तूने टार्जन द वंडर कार देखी है? वो लोग ने 2004 में बनाई, और वो भी अजय देवगन को लेके,
वो ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट था. मतलब उस टाइम पे उन लोग ने अजय देवगन को कास्ट कर लिया था, कुछ सोचा नहीं था. फिर उसको स्पोर्ट्स कार में बैठा है, बोला नहीं यार सच्चा इसकी आत्मा से गाड़ी चला देते. ये साला रोज इतनी अच्छी गाड़ी में गुटखा के थूके. तुम लोग हंस रहे हो, मतलब तुम लोग ने देखी है मूवी. तो अब मूवी देखी होगी तो देखा है कि शुरू में अजय देवगन मार जाता है, तो वो स्क्रिप्ट में नहीं था. वो रोज सेट पे आके गुटखा थूक रहा था, उन लोग बोले मारो साले को, उसकी फीस से साफ कराने में लग रहा है. और मूवी में ना अजय देवगन ऑटो ऑयल इंजीनियर है. ये मूवी का बेस्ट पार्ट है. यहाँ पर उन लोगों को मूवी खत्म कर देनी चाहिए थी. मूवी स्टार्ट हुई, अजय देवगन ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, दी एंड. और लोगों ने कंटिन्यू किया. उसका बेटा रहता है, बोलता मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगा. उसने जो कार डिज़ाइन की मैं पूरी कार बनाऊँगा, और वो कार बना भी लेता है. स्पोर्ट्स कार, बस एक लॉजिकल फ्लो है, वो स्पोर्ट्स कार बना तो लेता है पर उसके पास खुद की कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं है. और वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ जाता है, वो स्पोर्ट्स कार बना के रखता है, फिर सोने चले जाता है और कार जाके मर्डर करके आ जाती है. ये खाली फर्स्ट हाफ है, अभी मूवी बस स्टार्ट हुई है. सेकंड हाफ में फिर पुलिस वाले आते, बोलते सर आपकी कार मर्डर कर रही है, संभालो उसको. बोलता मैं अभी कुछ करता हूँ. तो वो जाता है और कार को जंजीर से बांध के रख देता है, क्योंकि कॉलेज तो गया नहीं वो चूतिया. तो उसे पता नहीं है कार में 700 हॉर्स पावर है, मतलब कार सच में घोड़ा नहीं है. उसको बांध के नहीं रखना है, लॉक लगा के रखना, कहीं नहीं जाएगी. वो कार को जंजीर से बांध के रख देता है, कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आया था. द एंड. ये पूरी 3 घंटे की मूवी है. मैंने तुम लोगों को 3 मिनट में स्टोरी सुनाई है. अगर तुम लोग समझ रहे हो, ये स्टोरी किसी ने किसी ऑफिस में आके पिच की थी और उन लोगों ने बोला ठीक है बना दो, लोग देख ही लेंगे. और तुम लोग मेरा पॉइंट समझ रहे हो, इस रूम में सबने देखी है मूवी. ये फिल्म का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, वो भी आयशा टाकिया को. मतलब मूवी इतनी गंदी थी, लोग बोले यार क्या एक्टिंग कर रही है बंदी. उसका अवार्ड देके देखते क्या पता अच्छी एक्टिंग करने लगे. और सारे जोक्स का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या? मेरे को सारे जोक्स लिखने के लिए मूवी दोबारा देखनी पड़ी. अब वो कोई मत करना. तो और ये तो एक फैक्ट है, ये जोक भी नहीं है. टार्जन जो है ना वो एक रियल कार थी, उन्होंने उस कार के प्रमोशन के लिए मूवी बनाई थी. फिर मूवी रिलीज हुई, मूवी ने इतना दिया, उन लोगों ने कार कभी लॉन्च ही नहीं की. आप कौन खरीदेगा इसको? तो मेरा दोस्त वापस आया, बोलता हूँ पता है अभी इलॉन मस्क ना उड़ने वाली कार बना रहे. चूतिया तूने फरारी की सवारी देखी है? थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय. ओके गाइस, आई एम गॉट ठीक है. वो यहाँ पे चॉकलेट रखी है, किसी को चाहिए? मैं अभी देखा. वो आपको चाहिए? ये दे सकते हैं क्या? हाँ, नहीं तो फिर मेरे से मत काट लेना. वैसे कुछ नहीं है. तो ये बेस्ट वे कॉमेडी देखने का, ठीक है? कोई बड़े थिएटर्स और ऑडिटोरियम से बेटर है. क्यों? हाँ, तुम लोग हंसो मत, मैं सच में बता रहा हूँ. क्योंकि ना यहाँ पे तुम लोगों को कोई एक्ट पसंद नहीं आना, तुम लोग उठ के मार सकते हो. कोई कुछ नहीं बोलेगा. तो मैं अभी एक शो करके आ रहा हूँ बैटर में, वहाँ पर बहुत अजीब ऑडियंस आई थी. मतलब उन लोगों कोई भी जोक पसंद आ रहा था ना, तो उन लोग थूक रहे थे. यार ये क्या, तो तुम लोग से वो तो एक्सपेक्टेशन नहीं है. अब सर आपने कैडबरी लिया, आप कर मत देना कुछ. ऊपर से फ्रंट रो में पहुँचो, तू पहुँच भी जाएगा स्टेज तक. तो मेरा एक दोस्त है, वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फ़ैन है. तो मुझे आके बताते रहते कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया. तो थोड़े दिन पहले बोलता है, वो इलॉन मस्क ने ना ड्राइवरलेस कार बनाई है. मतलब अभी कार चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है. मतलब चूतिया तूने टार्जन द वंडर कार देखी है? वो हम लोग ने 2004 में बनाई थी.
और वो भी अजय देवगन को लेके वो ज़्यादा बड़ा फिट था, मतलब उन लोग ने उस टाइम पे सोचा नहीं था, सीधा अजय देवगन को कास्ट कर लिया, फिर उसको स्पोर्ट्स कार में बैठा, बोला नहीं यार इससे अच्छा इसकी आत्मा से गाड़ी चलवा लेते, चूतिया इतनी अच्छी गाड़ी में रोज़ गुटखा आके थोक रहे। तो तुम लोग हंस रहे हो, मतलब तुम लोग सबने मूवी देखी है ना, ठीक है अभी मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सीधा पूछता नहीं हूँ, क्योंकि लोग कभी भी एडमिट नहीं करते, नहीं हमने नहीं देखी कहानी, हम अंधा तुम देखने वाली ऑडियंस। तो मूवी के स्टार्ट में ना देखा होगा तुम लोग ने, अजय देवगन मर जाता है, वो स्क्रिप्ट में नहीं था, वो रोज सेट पे गुटखा थूक रहा था, लोग मालूम मारो साले को, अरे इसकी फीस या तो साफ कराने में लग रहा है। तो अजय देवगन मर जाता है, फिर उसका बेटा रहता है, और मूवी में अजय देवगन ऑटो मोबाइल इंजीनियर है, ठीक है ये मूवी का बेस्ट पार्ट, यहाँ पे मूवी ख़त्म कर देनी चाहिए थी उन लोगों को, मूवी स्टार्ट हुई अजय देवगन ऑटो मोबाइल इंजीनियर है, दी एंड। पर वो माने नहीं, वो उन्होंने शुरू किया वापस, तो फिर उसका बेटा रहता है, बोलता मैं अपने बाप का सपना पूरा करूँगा, उसने जो कार डिज़ाइन की मैं पूरी बनाऊँगा, और वो स्पोर्ट्स कार बना भी लेता है, बस एक लॉजिकल फ्लो है, उसके पास खुद की कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे नहीं है, पर वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ जाता है, वो स्पोर्ट्स कार बना के घर रखता है, फिर सोने चले जाता है, और वो कार जाके मर्डर करके आया थी, ये खाली फर्स्ट हाफ है, अभी मूवी बस स्टार्ट हुई, फिर सेकेंड हाफ में पुलिस वाले आते हैं, बोलते सर आपकी कार मर्डर कर रही है, संभालो उसको, बोलते रुको मैं भी कुछ करता हूँ, तो जाता है और कार को जंजीर से बांध के रख देता है, क्योंकि कॉलेज तो गया नहीं, वो कॉलेज के पैसे तो थे नहीं छूती के पास, तो उसे पता नहीं है ना कार में 700 हॉर्स पावर, मतलब कार सच में घोड़ा नहीं है, उसको बांध के नहीं रखना है, लॉक लगा के रखना, कहीं नहीं जाएगी, वो कार को जंजीर से बांध के रख देता है, कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आया थी, दी एंड। ये पूरी 3 घंटे की मूवी है, मैं तुम लोगों को 3 मिनट में स्टोरी सुनाई, मतलब समझ रहे हो, ये स्टोरी किसी बंदे ने किसी ऑफिस में आके पिच की थी, और उन लोग ने बोला हाँ ठीक है बना दो, लोग देख ही लेंगे, और तुम लोग समझ रहे हो इस रूम में सबने देखी है वो मूवी। तो ये मूवी का बेस्ट पार्ट बताया गया, ये मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, वो भी आयशा टाक्या को, मतलब समझ रहे हो मूवी इतनी गंदी थी, उन लोग बोले यार क्या एक्टिंग कर रही है बंदी। इन लोग को अवार्ड देके देखते क्या पता अच्छी एक्टिंग करने लगे। और ये सारे जोक्स का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या, मेरे को ये सारे जोक्स लिखने के लिए मूवी दोबारा देखनी पड़ी, वो कोई मत करना। पर एक और ये फैक्ट है, ये जोक भी नहीं है, टार्जन जो थी ना वो एक रियल कार थी, उन लोगों ने उस कार के प्रमोशन के लिए मूवी बनाई थी, फिर मूवी रिलीज हुई, मूवी ने इतना दिया, उन लोगों ने कार कभी लॉन्च ही नहीं की, अरे आप कौन खरीदेगा यार इसको, एक काम करो बेचो इसको, ये बंदे को कॉलेज वापस भेजो, एक्टिंग बस की नहीं इसके। अभी लेट ही हो रहा है तो नेक्स्ट परफॉर्मर को बुला लेते हैं, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द यूज राउंड ऑफ अप्लॉज सुहेल। थैंक्स। तो इस मॉल में आने के लिए, मॉल है भी नहीं वैसे, तो तुम्हें नोटिस, मतलब क्या चुनती है मॉल, तुम्हें नोटिस के अंदर घुसते टाइम किसी ने सिक्योरिटी चेक नहीं की, क्योंकि अंदर उसके क्या ही उखाड़ लो, अभी जो आने के लिए भी कुछ नहीं है, आधे से ज़्यादा दुकानें खाली बन रही है, यहाँ पे शो 2 साल से रहो वो अभी भी बन रही है, लोग आते हैं बनाने के लिए, बोले यार क्या चूतिया मॉल यार क्या करोगे बना के। यहाँ पे एक बार शो था और उसमें 2 लोग आए थे, मतलब और भी लोग थे, वो 2 लोग साथ में आए थे, ठीक है, तो वो 2 लोग आए, तो उन लोग ने सोचा कि यार मॉल में शो हो रहा है, तो हम लोग थोड़ी देर पहले चले जाते हैं शो से, जाके शॉपिंग कर लेंगे। तो 8 बजे का शो था, वो 6 बजे आ गए, वो 6 बजे मॉल में घुसे, 6:15 पे मॉल खत्म हो गया। यहाँ पे लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड रखा था, वो खूब चला गया, वो तो हराम की कमाई नहीं खानी। बाजू में मैकडॉनल्ड्स है।
बस मुझे बताना था क्या मैकडॉनल्ड्स है ठीक है क्या पे कोई वॉशरूम गया था मॉल के ठीक है जहाँ मैं मतलाशे पड़ी हुई वहाँ पे ये वो मूवीज में गया था और मूवीज में जहाँ पे किडनैप होते हैं वाला मॉल ही तुम संभाल के आना शो के बाद और क्या बोलने वाला था मॉल के बारे में मैं सच में उस टाइम मॉल के बारे में इतनी सारी चीज़ें सोचती है याद भी नहीं आ रही ये रूम में होना बाहर जाना पड़ेगा इंस्पिरेशन लेने के लिए बहुत से ठीक है मैं जोक शुरू कर रहा हूँ तो तुम्हें इलॉन मस्क पता है कौन है सबको नहीं पता ठीक है पता अच्छा उन्होंने चुप रहने बोला तो आप चुप ही रहोगे पूछे तो भी नहीं बोलते तो मेरा एक दोस्त है वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन है तो मुझे आगे बताते रहता है कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया तो थोड़े दिन पहले आके बोलता है इलॉन मस्क ने ड्राइवरलेस कार बनाई है मतलब अभी कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है मतलब चूती है तुमने टार्जन द वंडर कार देखी वो हम लोग ने 2004 में बनाई थी और वो भी अजय देवगन को लेके वो ज़्यादा बड़ा फिट था मतलब उन लोग ने सीधा डायरेक्ट अजय देवगन को कास्ट कर लिया था उस टाइम उन लोग ने सोचा नहीं था ठीक है उसके बाद उसको स्पोर्ट्स कार में बैठा है बोला नहीं यार इससे अच्छा इसकी आत्मा से गाड़ी चलवा लेते हैं चूती इतनी अच्छी गाड़ी पर रोज गुटका खा के थूक रहा है वैसे मतलब तुम सबने मूवी देखी है ना हंसने के बाद मैं इसलिए डायरेक्ट खुद से अज्यूम कर लेता हूँ कि देखिए पूछने का फायदा ही है क्योंकि कभी भी शो में पूछो टार्जन द वंडर कार देखिए वो एडमिट ही नहीं करना चाहते तो मतलब देखिए ना तुम सबने ठीक है अभी भी कोई मान नहीं ये सब काम नहीं करते ताने में शो देखने आ जाएंगे पर टार्जन नहीं देखेंगे यार ये मॉल का नाम बॉलवर्ड मॉल है ये किसी ने नहीं सोचा शीतल नाम रख लेते मैप पे बॉलवर्ड मॉल देख के लगता है कि यहाँ कुछ होगा बाहर अंदर घुस के पता चलता है कि यार शौचालय बना लेते मॉल पे आप जब तक खतरा खत्म नहीं करोगे मैं नेक्स्ट जो शुरू नहीं करूँगा बस ठीक है तो मैं क्या बोल रहा था आज ये देवगन बुक का गाया तो मतलब तुम सबने देखी है ना मूवी ठीक है मैं आज भी मैं सब आपने देखी है तो मतलब मूवी के स्टार्ट में अजय देवगन मर जाते वो स्क्रिप्ट में नहीं था वो रोज सेट पे आके गुटका थूक रहा था सारे लोग ने बोला मारो साले को रोज इसका गुटका साफ कर नहीं रहा था पैसे लग रहे तो उसके बाद फिर मूवी में उसका बेटा रहता है वो रह बोलता है कि मेरे बाप ने जो कार डिज़ाइन की थी ना मैं पूरी बनाऊंगा और वो स्पोर्ट्स कार पूरी बना भी लेता है बस एक लॉजिकल फ्लॉ है उसके पास खुद की कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं है पर वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ जाता है वो स्पोर्ट्स कार बना के रखता है फिर सोने चले जाता है और वो कार अपने आप जाके मर्डर करके आया थी ये फर्स्ट हाफ है अभी खाली मूवी स्टार्ट हुई है आगे बहुत कुछ है कोई क्राइमिक्स भी नहीं है फिर सेकेंड हाफ में पुलिस वाले आते हैं वो बोलते हैं सर संभालो अपनी कार को मर्डर कर दिए वो बोलते मैं कुछ करता हूँ तो वो जाते हैं कार को जंजीर से बांध के रखते हैं क्योंकि कॉलेज के पैसे थे नहीं जूते के पास कॉलेज गया नहीं उसे पता नहीं है ना कि कार में 300 हॉर्स पावर मतलब कार सच में घोड़ा नहीं है उसको जंजीर से बांध के नहीं रखना लॉक लगाना कहीं नहीं जाएंगे नॉर्मली लोग इस पर हंस देते पर अब ये मॉल में शो हो रहा है तो क्या ही उसके बाद फिर कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आया थी दी एंड बस ये पूरी मूवी ये 3 घंटे की मूवी है ठीक है मैंने 3 मिनट में तुम लोगों को स्टोरी सुनाई मतलब समझ लो ये स्टोरी किसी ने किसी ऑफिस में आके पिच की थी और उन लोगों ने बोला हाँ ठीक है बना दो लोग देख ही लेंगे और ये रूम ने सबने देखी है वो बात अलग है मानने को तैयार ये मूवी का बेस्ट पार्ट पता है क्या ये मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए वो भी आयशा टाक्या को मतलब मूवी इतनी गंदी थी बोले यार क्या बंदी है यार इसको तो अवार्ड देना चाहिए अवार्ड देके देख रहे क्या पता अच्छी एक्टिंग करने लगे और ये सारे जोक्स का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या मेरे को ये सारे जोक्स लिखने के लिए मूवी दोबारा देखनी पड़ी
को कोई मत करना। मतलब 3 घंटा का टॉर्चर था वो। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं मॉल के बाहर खड़े होकर बॉलीवुड लिखा हुआ देख लूंगा। तो मेरा दोस्त वो इलॉन मस्क वाला वापस आया 2 दिन बाद, बोला वो तुझे पता है इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं? वो उड़ने वाली कार बना रहे। मतलब जूती है, तूने फरारी की सवारी देखी है? तो फरारी की सवारी मैंने भी नहीं देखी है, तो इसलिए मेरे पास जॉब नहीं है। मतलब मैंने जॉब लिखने के लिए टॉरेंट से डाउनलोड करके रखी है, पर टार्जन देखने के बाद हिम्मत नहीं होगी। इसमें क्या करते हैं लोग। तो पर मेरा एक लॉजिक, मेरी एक थ्योरी है कि कभी मूवी रिलीज कर और उसके बाद वो फ्लॉप हो जाए, लोगों को पसंद ना आए, तो फिर बैन कर दो ना मूवी। ऑनलाइन अवेलेबल क्यों रखी है? जब पता है गंदी है तो क्यों दिखा रहे हो? बंद कर दो, नामो निशान मिटा दो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। टार्जन का सबसे बड़ा सीन क्या, टार्जन जो ना वो एक रियल कार थी, उन्होंने उस कार के प्रमोशन के लिए मूवी बनाई थी। फिर मूवी रिलीज हुई, मूवी इतनी बकवास थी उन्होंने कार कभी लॉन्च ही नहीं की। अब क्यों कर दिया इसको? और क्या था मेरे पास टार्जन के लिए? क्या मैं आज ही देख के आया हूँ टार्जन, बहुत दिमाग खराब है। कौन सी मूवी छोड़ के मेरे पास ऑप्शन था अंधाधुन देखने का, मैंने टार्जन चुनी। ठीक है, अंधाधुन देखी यहाँ पे? ओ ठीक है, आपने भी देखी? आप ये सब एडमिट कर रहे हैं, ये तो देखी। मैंने नहीं देखी अंधाधुन, इसलिए जो नहीं मेरे पास। और क्या बोल जाना था भाई? We're going to call in the next set now. Please make some noise. Start clapping, everyone. Give it up for Mohammed Suhail. Thanks. एक बार मैं चाइना जा रहा था। क्यों हंस रहे हो? जोक का एंड कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है? तो एक बार मैं चाइना जा रहा था, फिर नहीं गया। एक्सपेक्ट ही नहीं किया हुआ तुम लोग ने। है मैंने फोटो में देखा सब सेम दिख रहे थे, बोला नहीं जाना पड़ेगा। मैं पहचानूंगा ही नहीं गाइड कौन है, मारने कौन है। वो मेरा एक दोस्त है, वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फैन है। अरे तुम लोग बहुत चूतिया चीज़ों पे हंस रहे हो। मेरे से पिछला बंदा पेंट से सोच के आ रहा है, मैं जोक लिख के लाया था। ठीक है। जाके बताते रहता कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया। तो थोड़े दिन पहले आके बोलता हूँ इलॉन मस्क ने ड्राइवरलेस कार बना रहा है, मतलब अभी कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मतलब चूती है, तुमने टार्जन ना अंडर कार देखी है? उन लोगों ने 2004 में बनाई थी, और वो भी अजय देवगन को लेके। वो ज़्यादा बड़ा फीट था, तो उन लोगों ने सोचा नहीं था, डायरेक्ट अजय देवगन को कास्ट कर लिया। फिर उसके बोला यार क्या फुद्दू आदमी है, मतलब ये रोज इतनी अच्छी स्पोर्ट्स कार में गुटका के ठोक रहे। सच्चा इसकी आत्मा से गाड़ी चलवा दे रहे। तो तुम लोग सबने देखी हो मूवी? मतलब इतनी गंदी थी कि एडमिट भी नहीं कर रहे। सब डर रहे हैं, हाँ नहीं मत बोलना। ये मूवी का यही फायदा, अगर किसी ने नहीं देखी तो इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है। ये पूरी मूवी स्पॉइलर है। तो मूवी में शुरू में ही अजय देवगन मर जाता है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो। मैंने बता दिया वो क्यों मार दिया, वो स्क्रिप्ट में ही था। वो सेट पे आके गुटका तोड़ था, बोला मारो साले। तो जिनके लोग हंस रहे हैं उन लोग के लिए मूवी में अजय देवगन ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, ठीक है? ये मूवी का बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे मूवी खत्म कर देनी चाहिए थी उन्होंने। मूवी स्टार्ट हुई, अजय देवगन ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, दिया है।
तो हम लोग पर आगे कंटिन्यू करते हैं मूवी। तो अजय देवगन मारी आता है, उसका एक बेटा रहता है, बोलता है मैं अपने बाप का सपना पूरा करूँगा, उसने जो कार डिज़ाइन की है मैं उसको पूरी बनाऊँगा, और वो बना भी लेता है। बस इसमें एक लॉजिकल फ्लॉ है, उसके पास खुद की कॉलेज के फीस भरने के पैसे नहीं है, पर वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ जाता है, वो स्पोर्ट्स कार बना के रखता है, फिर सोने चले जाता है, और जब वो सोने चले जाता है कार जाके मर्डर करके आ जाती है। ये फर्स्ट हाफ है, अभी स्टार्ट ही हुई है मेरी, ठीक है। तो फिर सेकेंड हाफ में पुलिस वाले आते हैं, बोले सर आपकी कार मर्डर कर रही है, संभालो उसको। बोलता ठीक है मैं कुछ करता हूँ, तो कार जाता है, कार को जंजीर से बांध के रख देता है, क्योंकि कॉलेज के पैसे थे नहीं, कॉलेज तो गया नहीं चूतिया। तो उसे पता नहीं है ना कार में 300 हॉर्स पावर, मतलब कार सच में घोड़ा नहीं है, तो जंजीर से बांध के नहीं रखना है, लॉक लगाना कहीं नहीं जाएगी। वो जंजीर से बांध के रख देता है, कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आया। The end. ये 3 घंटे की मूवी है, मैं तुम लोगों को 3 मिनट में स्टोरी सुनाई, मतलब तुम लोग समझ रहे हो ये स्टोरी किसी ने किसी ऑफिस में आके पिच की थी, और उन लोगों ने बोला ठीक है बना दो, लोग देख ही लेंगे, और देखा ये रूम में सबने देखे होंगे। मानने को तैयार नहीं हुआ था। और मूवी का बेस्ट पार्ट पता है, मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो भी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, वो भी आयशा टाक्या को, मतलब मूवी इतनी गंदी थी, बोले यार क्या एक्टिंग कर रही है। और ये सारे जोक्स का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है, वो सारे जोक्स लिखने के लिए मूवी दोबारा देखनी पड़ी। कोई मत करना। तो टार्जन एक रियल कार थी, उन लोगों ने उस कार के प्रमोशन के लिए मूवी बनाई थी, फिर मूवी रिलीज हुई, मूवी इतनी गंदी थी उन लोगों ने कार कभी लॉन्च ही नहीं की। अब कौन खरीदेगा इसको, बस यही था। अजय देवगन के पास और कुछ नहीं बोल पाया, तो मेरा वो दोस्त इलॉन मस्क वाला वो वापस आ गया, बोलता है तेरे को पता है इलॉन मस्क उड़ने वाली कार बना रहे हैं। चूती है तूने फरारी की सवारी देखी है? याली मूवी मैंने भी नहीं देखी है, क्योंकि मेरे पास जोक्स है नहीं। मैं पोस्टर देखा तो मैं अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि देख पाऊँगा कि नहीं देख पाऊँगा। ठीक है, मेरे जोक्स ऐसे ही बीमार कर देते लोग। मैं कौन सा जोक करने वाला था मैं भूल गया, हाँ मैं कुछ तो करने वाला था पर मेरे को याद नहीं आ रहा। ठीक है, अभी तुम लोग रिकॉर्ड हो रहे हो। ठीक है, आराम हंसना, आराम से एकदम जोर से, एक जन ने मेहनत की, ठीक है। मैं कैमरा लेके क्यों घूम रहा हूँ बताए, मैं कभी भी इधर उधर चलता हूँ ना लोग मेरे को फोकट समझते, मतलब कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो अभी मैं कैमरा पहन के घूम रहा हूँ। अब मेरे को हमेशा एक क्या प्रॉब्लम होता है, मैं कहीं भी चलता है लोग मेरे को चोर समझते थे, तो अब मैं कैमरा पहन के घूमा तो लोग समझते हैं थोड़ा तो अमीर होगा। तो मैं ये सोच के चल रहा था, पर अब प्रॉब्लम क्या हो गया, उन लोगों को लगता है कि मैं ये कैमरा चुरा के लाया, EMI पे लिया यार। तो मैं रिकॉर्ड क्यों कर रहा था लोग पता है, क्योंकि मैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ, किसी ने देखा है यहाँ पे, नहीं देखा ना, मैं वीडियो डालता हूँ इसलिए कोई देखे ना। तो मैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ ना, लोग नीचे कमेंट करते हैं कि चूती लाफ ट्रैक डाला है अलग से, कोई नहीं हंस रहा है, तो अभी मैं खाली ऑडियंस को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और टाइटल में मैं जाकिर खान डालने वाला हूँ, किसी को नहीं पता स्टेज पे कौन परफॉर्म कर रहा है। ऑडियंस हंस रही है काफ़ी, भले ही 5 लोग बैठे हैं बाकी चेयर्स खाली है, वो देख के हो जाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका चुराया उसको वापस भी करना।
और मेरा एक दोस्त है वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मुझे आके बताते रहता है कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया। तो थोड़े दिन पहले आके बोलता है ना, इलॉन मस्क ने ड्राइवरलेस कार बनाई, मतलब अभी कार चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। लच्छूती है, तूने टार्जन द वंडर कार देखी है? उन्होंने 2004 बनाई थी। वो भी अजय देवगन को लेके, वो ज्यादा बड़ा फील था। उन लोगों ने मूवी बना दी, कास्टिंग कर दी थी अजय देवगन की, उस टाइम पे सोचा नहीं था उन लोगों ने। फिर उसको स्पोर्ट्स कार में बैठाया, फिर बोला नहीं यार इससे अच्छा इसकी आत्मा से गाड़ी चलवा दे। चूतिया रोज इतनी अच्छी गाड़ी का आगे थूक रहा है। तुम लोग सबने मूवी देखी है ना? ठीक है, तो नॉर्मली लोग बताते नहीं है, देखी भी होती है नहीं बता रहे, बोले नहीं क्या। तो मतलब मूवी में तुमने देखा होगा कि अजय देवगन शुरू में ही मर जाते हैं, वो स्क्रिप्ट में नहीं था। वो रोज सेट पे आके थूक रहा था, बोला मारो साथी को। तुम लोग कैमरे की मेहनत वसूल करवाओगे। तो उसके बाद फिर उसका मूवी में बैठा रहता है, वो बोलता है मैं अपने बाप का सपना पूरा करूंगा, उसने कार जो डिज़ाइन किया ना मैं पूरी बनाऊंगा। अब वो स्पोर्ट्स कार बना भी लेता है, बस एक लॉजिकल फ्लॉ है, उसके पास खुद की कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं है। पर वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ जाता है, वो स्पोर्ट्स कार बना के रखता है, फिर सोने चले जाते हैं और वो कार जाके मर्डर करके आया। ये खाली फर्स्ट हाफ है मूवी का, ठीक है अभी बस स्टार्ट हुई है। फिर सेकेंड हाफ में पुलिस वाले आते हैं, बोले सर अपना कार को संभालो, तुम मर्डर कर रही हो। बोलता है ठीक है सर मैं करता हूँ कुछ। तो वो जाते हैं चूतिया कार को जंजीर से बांध के रख देते, क्योंकि कॉलेज तो गया नहीं, कॉलेज के पैसे थे नहीं चूतिया के पास, तो उसे पता नहीं ना कार में 300 हॉर्स पावर, मतलब कार सच में घोड़ा नहीं है, वो तो बांध के नहीं रखना है। लॉक लगा ना कहीं नहीं जाएगी, वो जंजीर से बांध के रख देता, कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आए थे दिए। ये 3 घंटे की मूवी थी, मैं तुम लोग को 3 मिनट में स्टोरी सुनाई है, ठीक है? मतलब तुम लोग समझ रहे हो ये स्टोरी किसी राइटर ने किसी ऑफिस में आके पिच की थी बिना कैमरा पहन के, और वो सारे ऑफिस वाले लोगों ने बोला हाँ ठीक है बना दो, लोग देख ही लेंगे। और तुम लोग नोटिस कर रहे हो ये रूम में सबने देखी होगी। कार्ड फुल बता रहे जिसका चुराया ना वो भी गया। चार जीबी का मेमोरी कार्ड डाले छोटी ना, इससे ज्यादा मेरे मोबाइल में रहे। अगली बार किसी का देख के चुराऊंगा, ठीक है? हाँ मैं, पर मेरे साथ भी चोरी हुई थी एक बार। तो मैं ट्रेन में जा रहा था, मतलब ट्रेन में नहीं जा रहा था, ट्रेन में चढ़ने जा रहा था, ठीक है? मैं एयरफोन लगा के गाड़ी सुन रहा था, एक बंदा एयरफोन छीन के ले गया और मुझे उसके लिए बुरा लगने लगा, क्योंकि उसमें एक कान में आवाज़ नहीं आ रही। तो क्या करें, 30 रुपये का एयरफोन था। तो मैं खड़ा था स्टेशन पर, फिर मैं ट्रेन में खड़ा था, मैं स्टेशन में वेट कर रहा था, 2 स्टॉप बाद वो बंदा वापस है, हेडफोन दे गया 750 रुपये दे गया, चूतिया थोड़ा अच्छा हेडफोन दे गया। मेरा एक दोस्त है वो इलॉन मस्क का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मुझे आके बताते रहते कि इलॉन मस्क ने क्या क्या किया। तो थोड़े दिन पहले आके बोलता है उसने ड्राइवरलेस कार बनाई है, मतलब अभी कार चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। बस चूती है, तूने टार्जन द वंडर कार देखी है? हम लोग ने 2004 में बनाई थी, हम लोग ने देखी है, ठीक है? हम लोग ने 2004 में बनाई थी, वो भी अजय देवगन को लेकर।
वो बड़ा फीट था मतलब उन लोग ने अजय देवगन को कास्ट कर लिया था, फिर उन्होंने सोचा नहीं था उस टाइम पे, उसको स्पोर्ट्स कार में बैठाया, बोला नहीं यार सच्चा इसकी आत्मा से गाड़ी चलवा लेंगे। चौथिया इतनी अच्छी गाड़ी में गुटका आगे थूक रहा तो तुम लोग ने देखी है ना मूवी, मूवी के स्टार्ट में ही मर जाते हैं क्योंकि मार दिया उसको सेट पे गुटका खा रहा था, मारो छूती तो वो मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा रहता है और मूवी में अजय देवगन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये मूवी का बेस्ट पार्ट है। मूवी को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। तो उसका एक बेटा रहता है और वो बोलता है मैं अपने बाप से बेटर कार डिज़ाइन करूँगा और वो कर भी लेता है, बस एक लॉजिकल फ्लॉ रहता है, उसके पास खुद की कॉलेज के फीस भरने के पैसे नहीं है पर वो स्पोर्ट्स कार बना के बैठ जाता है, वो स्पोर्ट्स कार बना के रखता है, फिर जाता है सोने, वो सोने चले जाते हैं कार जाके मर्डर करके आया था। ये फर्स्ट हाफ है मूवी का। सेकेंड हाफ में क्या होता है, उसको पुलिस से ऑर्डर आता है कि तुम्हारी कार मर्डर कर रही है उसको संभालो। तो वो जंजीर से बांध के रखता है कार, फिर सोने चले जाते हैं कार जंजीर तोड़ के मर्डर करके आया। बस ये 3 घंटे की मूवी की स्टोरी थी। तो तुम लोग समझ लो किसी ने किसी ऑफिस में जाके ये स्टोरी पिच की थी और उन्होंने बोला हाँ ठीक है बना दो, लोग देख ही लेंगे। और ये मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। ये फैक्ट है, ये झूठ नहीं, ठीक है तुम जाके सर्च कर सकते हो। तो टार्जन एक रियल कार थी, उन लोगों ने उस कार को प्रमोट करने के लिए मूवी बनाई थी, फिर मूवी रिलीज हुई और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे इतना दिया, उन लोगों ने कार कभी लॉन्च ही नहीं किया। अब कौन खरीदेगा इसको। पर ये सारे जोक्स का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या, ये सारे जोक्स बनाने के लिए मेरे को मूवी वापस देखनी पड़ी। तुम लोगों को पता है कोई एक कॉमेडियन अरेस्ट हो गया जोक करने के लिए, है ना? मैं किसी रिलीजन के ऊपर जोक नहीं कर रहा, ठीक है मुझे अरेस्ट मत कर लेना। बहुत गांठ पड़ती है इसलिए मैं टार्जन के ऊपर जोक कर रहा हूँ। और वो भी मैं तभी तक कर पाऊंगा जब तक कोई अजय देवगन को गॉड नहीं मानता, उसके बाद वो भी नहीं कर सकता। यार फनी नहीं था ना कल, तो दो बुड्ढे लोग हंसे थे। देखा बुड्ढे लोग पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो उन बातों में हंसते हैं जिससे कोई नहीं हंसता। मैंने एक्ट के बीच में पाद दिया था, वो उस पे हंसने लगे। मैं 6 महीने से पाद हूँ स्टेज पे, कोई ऐसी नहीं रहा। तो अभी सीन क्या है ना, मैंने कंप्यूटर, हाँ आराम से हंस लो, ये लगा नहीं बाद में। बता के थोड़ा ना पाल दिया, साइलेंटली पाल रहा था, बुड्ढे लोग को पता चल गया। जब स्टेज पे आया मैंने पहला मॉल वाला जोक मारा था, उसके बीच में ही पाल रहा। तो उस टाइम जब तुम लोग हंस रहे थे मुझे लगा पाँच पे हंस रहे हो मॉल पे, फिर बाद में लगातार मॉल पे हंस रहे, बोला हाँ मॉल ही छूती है। तो देखो ये फाइनल जोक था, इसमें तुम लोगों को फटना चाहिए था हंस हंस के। तो मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, मेरे को वो जो करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता तुम लोगों के सामने करूं। हम तो
लग रहा है ना पिछले दिन प्याज देना चाहिए. तो पर काफी सही है तुम लोग एक साथ बैठे हो, सा लग रहा है घरेलू माहौल सा. बस जगराता शुरू ही होने वाला है. मैं दो जोक करूंगा, उसके बाद वो दो जोक नहीं चले तो फिर हम लोग सब अंताक्षरी खेलेंगे. और मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि जोक ला पे खत्म हो. ऐसे कोई गाना शुरू नहीं होता. मैं कहां से शुरू करूं? मोहम्मद सुहेल एवरीवन, वी गोना कीप द नाइट रोलिंग. गिव इट अप फॉर गौरव पुरोहित.